रावण का पहला जन्म यानी कि असुर हिरण्यकश्यप का अंत होने के समय में भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था और कुंभकर्ण का पहला जन्म हिरणाक्ष का माना जाता है और इस जन्म में हिरणाक्ष से ज्यादा ताकतवर हिरण्यकश्यप माना जाता है और अपने भाई हिरणाक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए और भगवान विष्णु का अंत करने के लिए अभी उसके पास जितनी शक्ति थी वह काफी नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर पहुंचा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान महादेव ने कौन सा विचित्र रूप धारण किया था और भगवान नरसिंह के इस अवतार से हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सके। दोस्तों जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो इसी बात का इंतजार कर रहे इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर कई सारे राक्षसों का वध कर दिया था। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती थी और इंद्रदेव उसे भी मार देना चाहते थे। तभी नारद मुनि वहां पधारे और इंद्रदेव से इसके पीछे का कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कहा हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है तो उसका जन्म लेने वाला पुत्र कितना बड़ा राक्षस होगा। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जन्म लेने वाला पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा जिसे तुम भी नहीं मार सकते, इसीलिए इन्हें जाने दो। ऐसा कहकर कयादु को नारद मुनि ने अपने आश्रम ले गए और वहां कयादु को हर दिन वह भगवान विष्णु की कथा सुनाया करते थे। इसीलिए गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद का मन भगवान विष्णु में लग गया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहा बालक छठवें महीने से ही बाहरी दुनिया को महसूस करने लगता है और यह बात साइंटिफिकली साबित भी हो चुकी है। यह बात तो हो गई रानी कयादु के गर्भ में पल रहे भक्त प्रहलाद की। चलिए अब जानते हैं कि असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या कहां तक पहुंची। यहां पर कई वर्षों से तप कर रहे हिरण्यकश्यप के चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया था और हिरण्यकश्यप का शरीर भी गलने के कगार पर पहुंच चुका था। और फिर अंत में ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने के लिए कहा। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसका भाई हिरण्याक्ष वरदान मांगने में गलती कर बैठा। सभी जीवों का नाम तो लिया था लेकिन नए जीव वराह अवतार के कारण उसकी मौत हो गई। यह सोचकर उसने कहा कि ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। फिर उसने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे पंचभूतों में यानी कि अग्नि वायु आकाश धरती पानी से बने किसी भी मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो और ना किसी जानवर से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना दिन में ना रात्रि में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, इन सभी चीजों से उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। फिर ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। उसके बाद कुछ ही पल में हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की तरह चारों ओर युद्ध कर सभी को पराजित कर अपना दास बनाता गया। और जब वह वापस अपने घर पहुंचा तब उसी दिन उसकी पत्नी ने प्रहलाद को जन्म दिया। इस खुशी के मौके पर उसने पृथ्वी पर सभी विष्णु के मंदिरों को जला देने के लिए होलिका को आदेश दिया। दोस्तों होलिका के पास एक अलग ही शक्ति थी कि उसे अग्नि जला नहीं सकती थी, इसीलिए वह जहां कहीं भी विष्णु भक्त और विष्णु मंदिरों को देखती थी वह जला दिया करती थी। तो अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर और भगवान मानने लगा था और अपने राज्य में सभी से अपनी पूजा करवाने लगा था। हिरण्यकश्यप चला तो था
पूरे संसार से भगवान विष्णु का संपूर्ण नाम मिटाने, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि संसार का सबसे बड़ा विष्णु भक्त उसके घर में ही जन्म ले चुका है। और कुछ समय बाद प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करने लगा। तब कुछ समय बाद ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि अब तक तुमने क्या सीखा है। तब प्रहलाद ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में विष्णु ही वास करते हैं और इस पूरे संसार में विष्णु का नाम ही महान है। यह सुनकर एकदम से हिरण्यकश्यप चौंक उठा और सोचने लगा कि पूरी दुनिया से विष्णु का नाम मिटाने चला मैं और खुद के घर में ही ध्यान देना भूल गया। शुरू में तो प्रहलाद को आराम से समझाने का प्रयास किया कि विष्णु हमारा दुश्मन है और तुम्हारे बड़े पिता का उसने वध किया था, फिर तुम उसकी पूजा कैसे कर सकते हो। तब प्रहलाद ने कहा कि बड़े पिता एक बहुत ही बड़े दुष्ट थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बड़े पिताजी का वध किया था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा कि अगर एक बार और विष्णु का नाम लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब प्रहलाद ने कहा कि मारने वाले आप नहीं हो, ना मैं मरने वाला, हर जगह भगवान विष्णु ही है। तुम्हारे अंदर भी भगवान विष्णु है, मेरे अंदर भी भगवान विष्णु है। अपने पुत्र के मुख से इस तरह की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप का दिमाग कुछ क्षण के लिए काम करना बंद कर चुका था और सोचने लगा कि इतना बड़ा विष्णु भक्त मेरे घर में ही मौजूद है, अब तो पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद के पुत्र प्रहलाद को उसने मारने का सोचा। उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ले जाकर किसी भी तरह से मार दो। तब सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए समुद्र में डुबाया, बाणों से हमला किया, पर्वतों से फेंक दिया, हाथी से भी कुचलवाया, लेकिन उन सैनिकों का हर एक तरीका विफल हो गया। और अंत में प्रहलाद छोटी सी मुस्कान लेकर हरि का नाम जपने लगता और वापस आ जाता। फिर सैनिकों ने यह कार्य ना कर पाने की वजह से प्रहलाद को वापस अपने राजा हिरण्यकश्यप को लौटा दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा, और फिर होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका एक मेटल के समान थी, उदाहरण के तौर पर आयरन को गैस स्टोव पर रखे तो कुछ नहीं होगा, इसी तरह से होलिका को भी कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान विष्णु ने उस समय अग्नि को काफी हाई टेम्परेचर में पहुंचा दिया। कोई भी धातु एक हद तक ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसे भी गलना ही होता है। उसी तरह से होलिका भी उस हाई टेम्परेचर की अग्नि में जलकर मर गई, लेकिन वहीं पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को उस अग्नि की ऊर्जा से बचाए रखा। और फिर अग्नि में से हंसते हुए प्रहलाद बाहर आया और तभी से भगवान विष्णु के कई सारे मंदिरों को जलाने वाले होलिका को वहां के लोग होली का त्यौहार मनाने लगे। होलिका एक अग्नि का रूप थी, इसीलिए उसके अपोजिट में होली पानी से खेली जाती है, लेकिन समय के साथ यह त्योहार बदलता गया। वही हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कहता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और तुमने मेरी बहन को मार दिया। असल में मैंने विष्णु को हर जगह खोजा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु तो कण कण में बसते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं इस कक्ष में जिधर भी अपना हाथ घुमाकर रोकूंगा, अगर उसमें हरि नहीं मिले तो तुम हरि का नाम लेना बंद कर दोगे। ऐसा कहकर वह घूमते हुए एक स्तंभ की ओर अपना हाथ रोका और प्रहलाद से पूछने लगा, क्या इसमें भी हरि हैं? तो प्रहलाद ने कहा हाँ। तो फिर गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपने गदे से उस स्तंभ पर प्रहार किया। अपने भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने उस स्तंभ में से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। उस नरसिंह अवतार को देखकर हिरण्यकश्यप यह समझ चुका था
कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है। तभी भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर कहा, देख हिरण्यकश्यप, यह समय ना दिन है ना रात है, यह जगह ना अंदर है ना बाहर है, और मैं ना ही मनुष्य हूँ और ना ही पशु, और मैं तुझे ना अस्त्र से मार रहा हूँ ना मैं तुझे शस्त्र से मार रहा हूँ। यह कहकर भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसका अंत कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का अंत होने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और देवी लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डर रही थी। तभी भगवान शिव ने सर्व अवतार लिया, जिसमें एक पक्षी, एक मनुष्य और एक पशु का रूप था। यह रूप लेकर भगवान नरसिंह के पास पहुँचे। तब सर्व अवतार में भगवान शिव ने अपने पैरों के बीच में भगवान नरसिंह को जकड़ कर रखा। इसके बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और फिर वह अपने विष्णु रूप में वापस आ गए। तो दोस्तों, यह तो हो गई भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप के अंत की कथा। लेकिन यह कथा हमें क्या सिखाती है कि अहंकार और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धर्म के साथ कार्य करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है।